ये तुमरी नाम कुसुमरी सुमरी आनंदे मारी ताली किए दुखरे दुखरे कुमरी कुमरी रागरे गाली सब भाव जेणु तार सत्य से भक्त रचनाता भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत भक्त कवि भक्ति गीत जय जगन्नाथ। विभुदत्त कृपा को धारण करी ए माटीरे अवतरी आसीथिबा सारस्वत साधक गण सेमानंकर साधनादीप्त रचना को नहीं जेउ भली भावरे ए माटी को महिम्न करिछंती जेउ मानंकर रचनार आधार को नहीं ए जाति जिमबार कला शिखिछि एवं जेउ मानंकर रचनार पृष्ठभूमि रे ए जाति पाई एक सुदृश्य कला मंदिर निर्मित होईछि से वरेण्य कविगणंकर अनवद्य रचना एवं सेमानंकर समर्पित जीवनी को नहीं विशेष कार्यक्रम भक्त कवि और भक्ति गीतर आउ एक अध्याय रे आपण मानक स्वागत जनाऊ। कविकूल तिलक ओडिशार कविकूल चंद्र उपेन्द्र भंज रीति साहित्यर मध्ययुगीय साहित्यर से एक भिन्न कोणार्क जहाँकर शब्द र गांभीर्य जहाँकर रचनारे उपमा एवं जहाँकर रचनारे सुंदर कवित्वर प्रकाश ओडिशार साहित्य को एवं ओडिशार संगीत को समान भाव उज्ज्वल करिछि से वरेण्य कविंकर रचना को नहीं तंकर संगीत को नहीं विस्तार करिवार उपक्रम आमे करुछु। वरेण्य आलोचक भावे आम सहित रही कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर अनवद्य कृति नीलाद्रिश चौतीसार जे संस्कृत भाषा एवं इंग्राजी भाषा रे टीका प्रस्तुत करी भुवनेश्वर भंज भारतीर वरेण्य संपादक माननीय डाक्टर कृष्ण केशव षडंगी महोदय आम सहित रही भंज साहित्यर विशिष्ट विद्वान तथा सुसाहित्यिक एवं संगीत समीक्षक माननीय डाक्टर शांतनु कुमार रथ महोदय आम समय प्रतिष्ठित कंठशिल्पी जो मानकर कंठ निःसृत भाव संगीत भितर आम आत्महरा होइछे एवं जंत्र संगीतर विशिष्ट परिवेशक मानकर समयोचित सहयोग ए कार्यक्रम को अधिक रसाल करिछि। डॉक्टर षडंगी आम देखु यथार्थ शब्द प्रयोग करिवारे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर जो पाठवता रही वास्तविक ताहा अवर्णनीय किभली दृष्टि रे आपण एहाकु ग्रहण करिवे यथार्थ स्थान रे जो स्थान पाई जो शब्दर एकांत आवश्यकता अच्छी जहाँ विकल्प नाही सेई भली शब्द संयोजन भंज कविंकर दक्षता को मोटे मापी हबो नै इते असीम दक्ष एवं कौशली से ताकु गोटे उदाहरण रे आपण माने दर्शक बंधु बुझी पारिबे बीतल को आलिंगन करी जाह्नवी शोभन हरे सुरवर ताप चारु धारा से जेतेबेले ए पदटी आमे पढ़े सेतेबेले गंगांकर वर्णना बोली आमे समस्ते जाने किंतु से गंगांकर वर्णना भितरे ये गोटे गंगांकर वर्णना हैनी ये तीन गंगांकर स्वर्गंगा मर्त्यगंगा एवं पाताल गंगा। स्वर्ग गंगा होचंती मंदाकिनी मर्त्यगंगा होचंती भागीरथी एवं पाताल गंगा होचंती भोगवती ये तीन जन जाकंकर वर्णना को से अति सुंदर शैली रे ए जो सुरवर ताप हरे सुरवर ताप हरे आपण एई शब्द रु आपण एई तीनोटी जाक गंगांकर गतिर बा स्थितर परिचय पाई ये जो सुर वर सुर हूँ देवता वर हूँ इंद्र जी स्वर्ग गंगा सी निश्चित भाव इंद्रादि देवता मानकर तापहरण करेंगे जितेबले आम मर्त्यरे गंगा स्थित की देखे जो माने भूसुर आउ जो माने वीरत्व प्रकाश करती वसुंधरा को रक्षा करने शांतिप्रद आश्रय हूँ गंगा तेणु पाप धौत करने क्लांति अपनोदन करने दीटी जाक गंगांकर आश्रय सुर अर्थात वीर माने एवं सुर बोले भूसुर अर्थात ब्राह्मण वर्ग मर्त्यर जो माने सुर ए माने तांको तापहरण कले आउ गोटे पाताल गंगा पाताल धार कहउचंती ना नाग नागलोक पाताल कले सुरवर सुरव अर्थ जे जो सर्पर सुसुकार से जो सुरवर ताप हरणे ये गंगा अर्थात पाताल गंगा मध्य गंगांकर आउ गोटे धारा जहाँ पाताल गंगा भाव में प्रतिष्ठित ये जो सुरवर शब्द भितर
तीनोटी जाक गंगांकर स्थिति की देखिला परे आपण देखिबे सेई छंदरे गोटे शब्द व्यवहार होइछि विशारद बोली। विशारद जे सामंत मत्तरे दास सेवित डाकू न शुणंती रघुनाथ कथित। आमे जेतेबेले विशारद शब्द शुणे विशारद बोले जे विज्ञ विद्वान पंडित एमानकु कुआ जाय विशारद। किंतु भंजंकर से रचनारे कैबर्त बसीछि डाकुछंती रघुनाथ किंतु से शुणुनाही। जेतेबेले गोटे लोक मोटे किछि न कहिकी किछि न शुणिला भलिया अवज्ञा कला भली न शुणिकी रहिला भली जो भाव रहे सेइटी होची विशारद भाव। अर्थात तार कौनसी कथा कहिबार स्पृहा न थाए एवं जदि से विशारद शब्द टिकी सेठु हटेई दिया जीव ताहले हुए तो कैबर्तर प्रकृत भाव बा प्रकृत स्थितिर रूपरेख आमे जानि पारिबा नाही। तेणु सेइ प्रस्तुति रे सेइ प्रकारर शब्दर संयोजन रे भंज कविंकर एई छांदटी हेछि अति मंजुळ जेउथरे आमे गंगांकर गतिरे केमिति रामचंद्र नौका पार हेइ मिथिला प्रदेश को जिबे तार वर्णना को नेइ ए गीतटी ए छांदटी समृद्ध हेछि। वितळ को आलिंगन करि जाह्नवी शोभन हरे सुर बर ताप चारु धारा से। अनुपम काव्य वैदेहीस विलासर एही सुंदर छांद को उपस्थापन करिवे आज ए आसरर कंठशिल्पी समवेत गायन रे। বিতলকু আলিঙ্গন করি জাহ্নবী শোভন হরে সুরবর তাপ চারুধারাসে বহে মকর কেতন উচ্ছন রতি সমান পুরিত হইছি পুণি অশেষ রসে বিদ্যা হৈম পদরে বিষ কণ্ঠ তো সদানি বেনি মতরে বিদ্যা হৈম পদরে বিষ কণ্ঠ তো সদানি বেনি মতরে বর শুনিলি পথরে পথর বড় বালি পড়ি তো চরণ আশঙ্কা বুঝে নৌকা নায়িকা হেলে পুরিব ভেড়া বৃত্তি বসে কুটুম্ব বসাই ন দেবী পাদ ন ধোই নব ধ্রুতি পোষে কুটুম্ব বসাই ন দেবী পাদ ন ধোই নব বীরেশ্বর করি পূজা কলে সে মিথিলা রাজা বসাই রঘু তমকু সিংহাসনরে বিহায় সে দেবে আসে রাম দর্শন লাল সে শব্দ শুনি রাবণ মিলিলা সে তারে
पीर से बाहुड़े पीर से बयालीस पदे चंद्र उपेन्द्र भाषे पीर से बाहुड़े पीर से बयालीस पदे चंद्र उपेन्द्र भाषे पीर से बाहुड़े पीर से बयालीस पदे चंद्र उपेन्द्र भाषे। रामतारका मंत्र नहीं कविंकर कवि सम्राटंकर कवित्वर उदय होइछि बोली निजे एकथाकु बारंबार स्वीकार करिछंती उपेन्द्र भंज। तेबे कविंक रचना भितरे मध्य डॉक्टर रथ आमे देखु कृष्णत्व आरोपित होइछि। कविंक रचना भितरे कृष्ण लीलार चित्र एवं कृष्णंकर माधुर्य लीलार छवि मध्य होइछि अंकित। कला कौतुक तार एक उज्ज्वल उदाहरण। काहेकि कविंकर कृष्णत्व एवं रामत्वर समदर्शी भाव कविंकर कवितार प्रतिबिंबित। उपेन्द्र भंज तीनोटी धारे तांकर काव्य रचना कले। गोटे है काल्पनिक धारा जो थे राजकुमार राजकुमारी मानकर नायक नायिका भाव चित्रण है। आ गोटे है रामकथा वैदेश विलास तो बड़ सिद्धि सी रचना है। आ गोटे धारे उपेन्द्र भंजों बेलू सी जदि गोटे भिन्न धारे काव्य रचना कले कि सेतु वैष्णव धर्मर अप्रतिहत प्रभाव ओडिशार तेणु अस्वीकार करने एक प्रकार कष्ट ये गोटे कारण। द्वितीय कारण है कला कौतुक रचना करने पक्ष गोटे घटना अच्छी। घटना होची जे दीनकृष्ण उपेन्द्र भंज ये दुजन जाक प्राय समसामयिक तेणु एका समय उभय श्रीक्षेत्र पहुँची थे। राजदरबार जितेबले उपेन्द्र भंज से बेलू राजदरबार स्थान पाइले प्रतिष्ठा है यही समय उत्तर बालेश्वर दीनकृष्ण आसिले राजकृपा पाइबापी पृष्ठपोषकता पाइबापी स्वीकृति पाइबापी मान्यता पाइबापी आसिले श्रीक्षेत्र से रसकल्लोल रचना कर राजांकर पूर्व अनुमति क्रमे से रसकल्लोल काव्यटी को धरिकी राजसभा को आसिले। केमिति आसिले ना तले गोटे ये हूँ किंबदंती तले गोटे सरा रखिंट तालपत्र पोथीटी रखिंटर गोटे केन्दुपत्र घोड़ेई तेणु समस्त पंडित मैंने बस देखिले कौन अद्भुत दृश्य तेणु समस्त जो पचारे उत्सुकतार सहित सी कहले जे ये हूँ साक्षात रस जो तालपत्र जहाँ कहते ये हूँ साक्षात रस ये काले तले गड़ी पड़े ये हूँ कृष्ण रस तेणु काले तले पड़े बोली तले सरा दे रसटा काले सुखीजीपर मुझे केन्दुपत्र घोड़े कौल केन्दुपत्र चर्चा है काव्य चर्चा है समस्ते खुशी हेले। राजा पचारे उपेन्द्र भंज को जे कवि आपण को केमती लगला। उपेन्द्र भंज से गोटे कथा कहले जे ये क अक्षर जी लिखिंट आद्य अक्षर रे किंतु काव्यर नाटा रस कल्लोल है कल्लोल रस ही था जदि क क क लिखिले मूलर शेष पर्यंत क आद्य अक्षर लिखिंटे नाटा मध्य कहते कि कटा रस कल्लोल दे तार जथेष कारण देक बुझेदेले दीनकृष्ण जे मु कई किंतु जेहेतु कृष्ण भक्ति रे राधांकर प्राधान्य बेसी रहुची तेणु राधांकर र अक्षरटा मु आद्यरे रखिबा मु सेही रसकल्लोल बोली देली से चर्चा हला एवं सी उपेन्द्र भंज गोटे आह्वान देले बोले आपण एभली गोटे काव्य रचना करी देखांतु एही को आद्य अनुप्रास रे। उपेन्द्र भंज से आह्वान को स्वीकार कले एवं स्वीकार करी से कला कौतुक से करे ना देकर कला कौतुक रचना कले। कला कौतुक गोटे विशेषत्व है से केवल क आद्य अक्षर रे काव्यटा लिखिथिले ये प्रति पदरे असंख्य क शब्द व्यवहार करी कृष्ण शब्द को थरे मात्र व्यवहार करिसेंति से आउ कृष्ण शब्द व्यवहार न करी से समग्र काव्यटा को रचना कले। तेणु जदि शिल्पकला काव्य कौशल दृष्टि जदि आम आलोचना करवा कला कौतुक रसकल्लोल काव्यट शिल्पकला दृष्टि अधिक पहुँची किंतु रस दृष्टि कवित्व दृष्टि बा भक्ति दृष्टि रसकल्लोल मर्यादा अलग कला कौतुक मर्यादा अलग तो यही भाव में कृष्ण कथा संबलित काव्य उपेन्द्र भंज रचना कले। कला कौतुक काव्यर से भक्ति रसामृत से सुंदर अभिव्यक्ति को सुंदर पदपंक्ति को उपस्थापन करेंगे कंठशिल्पी रूपक कुमार परिडा।
कमल धर हे कमल धर जित नायक कमल धर चार राम नाम सदा धायक कमला साक्षात कमला सार सीता नायक कमला सन दिव्य रूपे निंदे पुष्प सायक कमला सन दिव्य रूपे निंदे पुष्प सायक कमला सन दिव्य रूपे निंदे पुष्प सायक कदम्ब कदम्ब ऋषि नारी हे बालायक कदम्ब फल कूत तनु जाहि शोभा सायक कलाप कलप विहीने जटाए विधायक कलाप कंदरे राजित धृत धनु सायक कलाप कंदरे राजित धृत धनु सायक कलाप कंदरे राजित धृत धनु सायक कबंध नृत्य कौतुकी हे कबंध क्षयक कबंध गति जाहा कोप चाहि अति भयक कर्पूर जगरे कर्पूर बार बार सायक कर्पूर स्तंभने सागर बंध जे उपायक कर्पूर स्तंभने सागर बंध जे उपायक कर्पूर स्तंभने सागर बंध जे उपायक करीब आने बढ़े बाच अथ बांटी आर्थिक कब कृते पूर्वे नाही शेष ए विधि श्लोक कहिले गोप वृंदावन शोभा लब लबक कवि उप इंद्र भंज जे सीताराम भावुक 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 उभय आद्य और प्रांत रे क वर्णर प्रयोग करी कला कौतुक काव्य को अभिनव करिछंती काव्यिक उत्कर्ष होइछि प्रतिपादित भक्तबंधु डॉक्टर षडंगी आमे देखू जे किभली भावरे महाप्रभुंकर चेतना को अंगीकार करिछि महाप्रभुंकर दर्शन को तत्व को एवं अवबोध को विस्तारित करिछि कवि सम्राटंकर रचना किभली प्रतिपादन करिवे महाप्रभुंकर से कृपा को पाथेय करितिबा कवि सम्राट भंज तांकर प्रत्येक रचनारे अभिनवत्व को प्राधान्य देइछन्ति जेमिति आमे टिके पूर्वरु कला कौतुक शुणुथिले सेमिति तांकर रचना अबनारस तरंग जेउतरे मोटे बनार व्यवहार नाही आपण आकार उकार दीर्घिकार ओकार एकार एकु किछि देखिबे तेणु एभळी कवित्वर जो पाटव तांकर कहा जोगु हेला से कथा को से आगुरु कहिछन्ति एवं जो तत्व को नै से जगन्नाथ चेतनार प्रचार प्रसार करिछंती से तत्वटी होउची जगन्नाथ महाप्रभु होउचंती पतित पावन अर्थे प्रासादु बाहर एक कथा को खाली कही नांती जेतेबेले कैवर्त पाद धोई दउचंती भगवान रामंकर सेठी मध्य विश्वे पतित पावन नाम रहिला एक कथा को मध्य से स्वीकार करिछंती स्कंद पुराण उत्कल खंडरे जेऊ क्षेत्र रे भगवान अवस्थान कले से क्षेत्र रे गोटे नियम लागू हैला माँ महालक्ष्मी जे क्षेत्राधीश्वरी से गोटे नियम कर देले कहले अतोन्यत कर्म भूम उत्पन्न प्रविश्य जम संचर तुम्हें एठारु अन्य कौन से स्थान को चली जाओ एठी तुम्हारो जमदंडर प्रभाव अनुभूत हम ना ये आकट होता पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ताकू आधार करी कवि सम्राट भंज गोटे सुंदर उक्ति रखिछन्ति कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे उन्नत प्रसाद राज पताका उड़ाई आकाशरे जो नवश्चुंबी श्रीमंदिर तार ऊर्ध्वरे जो पताका उड़ुची से पताकार ना होची पतित पावन पताका भंजंक दृष्टि से पताका पतित पावन कविसूर्यंक दृष्टि से पताका होची समदृष्टि तेणु से पताका पतित पावन कहुची ए भुवने समवर्तीपण नाही नाही एठी जमर आधिपत्य नाही तेणु एठिकी समस्ते आस ए नील नग नगर को आस भल करवा एक कथा को से हाथ ठारिकी डाकुचे यही जो गोटे प्रकार गोटे भाक्तिक तरंग भितर जड़सड़ होउथिबा उपेन्द्र
ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୈନ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାମୁରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗାଉଛନ୍ତି ଆହେ ପ୍ରଭୁ କମଳାକାନ୍ତ ବିମଳା ବଲ୍ଲଭ ଜାମଳା ତାରି ଆହେ ପ୍ରଭୁ କମଳାକାନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଆହେ ପ୍ରଭୁ କମଳାକାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳିତ କରି ଯେହେତୁ ସୀତାରାମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଆହେ ପ୍ରଭୁ କମଳାକାନ୍ତ ସେହି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବେଦିତ ଏହି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ମାତୃପ୍ରସାଦ ଦାସ आहे प्रभु कमलाकांत विमला बल्लभ जामला तारी आहे प्रभु कमलाकांत विमला बल्लभ जामला तारी आहे प्रभु कमलाकांत पक्षीराज पृष्ठ बिहारी दुखी जन दुख निवारी पक्षीराज पृष्ठ बिहारी दुखी जन दुख निवारी देखी पद्मनाभ करुणा तब देखी पद्मनाभ करुणा तब सुखी जाऊ अछि तनु मोहरी आहे प्रभु कमलाकांत विमला बल्लभ जामला तारी आहे प्रभु कमलाकांत भरसा मो मंदर धारी निरत कुचात कपरी भरसा मो मंदर धारी निरत कुचात कपरी मोते कले भिन्न पतित पावन मोते कले भिन्न पतित पावन पाना गुहे बटी निंदा तुम्हारी आहे प्रभु कमलाकांत विमला बल्लभ जामला तारी आहे प्रभु कमलाकांत त्रिभुवन गति पकारी ए भूतले कष्ट मो भारी त्रिभुवन गति पकारी ए भूतले कष्ट मो भारी भंज वीर बर कहे जोड़ी कर भंज वीर बर कहे जोड़ी कर सुनु ना किंपा मोर गुहारी आहे प्रभु कमलाकांत विमला बल्लभ जामला तारी आहे प्रभु कमलाकांत विमला बल्लभ जामला तारी आहे प्रभु कमलाकांत ଭକ୍ତ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଏବଂ ଅବସାଦକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ବି ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିଭାଷାକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କବି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଡକ୍ଟର ରଥ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବରେ ଆଣିକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କବିଟେ ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ଛଳ ଛଳ ନ ହେବ ସେ କେମିତି କବିତା ଲେଖିବ ଏବଂ କେଉଁ ଭାବକୁ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସେ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲାବେଳକୁ ତାହା ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି ପାଠକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତେଣୁ ଭାବ ରସରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଭବରେ ରସାୟନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁଖ କଥା ଆସିଲା ସୁଖ କଥା ପ୍ରେମସୁଧା ନିଧିରେ ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ତାଙ୍କର କିହେ ବା ବଡ଼ନ ରୂପତି କି ହେବ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସୁଖ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଦମ୍ପତି ତେଣୁ ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ହେବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ସବୁ ସୁଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ'ଣ
संसार रे जेते सुख अछि से सबु जाकर सुखर उत्पत्ति स्थल होउछि दाम्पत्य। इंद्रिय सुख अतिंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख मनीष विवाह करे। विवाह एक सामाजिक अनुष्ठान, एक प्रथा सिद्ध परंपरा। विवाह करिकरि जो पुरुष एवं स्त्रीटीर मिलन कर दि जाए, से मिलन भितरे गोटे देहर संपर्क, से देह संपर्क से माने धीरे धीरे ऊपर को उठी उठी मानसिक संपर्क, चित्तगत संपर्क एवं चेतनागत संपर्क से माने पहुंचन्ति। स्वामी न थाए पाखरे, स्त्री न थाए पाखरे, किंतु स्वामी स्त्री पाई झुरी होता है, स्त्री स्वामी को झुरी होता है। तेणु यही जो देहर देहांतर को गति करिवार जो परीक्षा स्थल गोटे क्षेत्र दाम्पत्य, सेटा को से कहिसेंती जे दाम्पत्य जीवन को जदि निर्मल जन रखिबो ताले से दाम्पत्य जीवन माध्यम रे से परम सुख को लाभ करिबो। तेणु एई भली भाव रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक काव्य रे आमी देखू जे सुखर परिभाषा से देइचंती, आमी ताकु ता भितर अर्थ को बाहर करबा को पडिबो। अवना रस तरंग रचना करिसेंती मात्र 12 छंद विशिष्ट गोटे काव्य, बना नाही सेथिरे आकार एकार किसम। पूर्वरु डाक्टर षडंगी महोदय कहुतिले आकार एकार ह्रस्व दीर्घ किछि नाही सेथिरे। ସେଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ରାବଣ ବଦ୍ଧ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଷୟଟାକୁ ଯେଉଁଟାକୁ 52 ଛାନ୍ଦ ନେଲେ ସେ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ମାତ୍ର 12 ଛାନ୍ଦରେ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରାମକଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବିଚିତ୍ର ହେଉଛି କବିଙ୍କର କର୍ମ ଏତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ବନା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ। କ'ଣ ଆଠୁ ବଳି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା କବିଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ? ଜୟ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗର ଏ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଭକ୍ତିରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିକ ଆବେଗରେ ପରଶି ଦେବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର। ଜୟ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ଜୟ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। जगत ईश्वर जय भक्त बसण जगत ईश्वर। परधन अनंत जसई जगतर, परधन अनंत जसई जगतर, परधन अनंत सहज भक्त जगत ईश्वर जय भगत बसण जगत ईश्वर। धर्म पंत पर रक्षण तत्पर, धर्म पंत पर रक्षण तत्पर, इंद्र पद तपस्कर संगत जय भक्त बसण जगत ईश्वर जय भक्त बसण जगत ईश्वर। अकथन कर्म कर पद्म स्वर सर, अकथन कर्म कर पद्म स्वर सर, जगत ईश्वर जय भक्त बसण जगत ईश्वर। नव कौशल कई पट घर, नव कौशल कई पट घर, बनक जन पद समान तत्पर भक्त बसण जगत ईश्वर जय भक्त बसण जगत ईश्वर। उपइंद्र कर सहस्रदंड भक्त, उपइंद्र कर सहस्रदंड भक्त, जनमा
जगत बसर जगत ईश्वर जय भगत बसर जगत ईश्वर जय भगत बसर जगत ईश्वर। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य हेउ अथवा हेउ महाप्रभुंक उद्देश्य रे निवेदित तंकर शेष जीवनर से काव्य नीलाद्रेश चौतीसा सबुरी भितर श्री जगन्नाथ तत्व एवं श्री जगन्नाथ दर्शन होइछि प्रख्यापित। चतुर्वर्ग दानी जे धर्म अर्थ काम मुख्य भक्त को प्रदान करती बोली निजे भंजकवि स्वीकार करिछंती कि भली भावरे जगन्नाथ तत्व को प्रख्यापित करिछि भंज काव्य। रघुनाथ एवं जगन्नाथों भितर अभेद परिकल्पना करिवारे तांको दृष्टि एक बार सफलता पाई एवं भक्ति तद्गत प्राण रे रघुनाथों पाखरे जगन्नाथ एवं जगन्नाथों पाखरे रघुनाथ को दर्शन करी से निज काव्य जीवन को अधिक पुष्क सरस सुंदर करिछंती। लावण्यवती काव्यर द्वितीय छंदर शेष पदरे से तार अभिव्यक्ति देइछंती जय जगन्नाथ राम श्रेयर निलय मुनि गण काम दायी पद्मवासी प्रिय। अर्थात जिए राम सिए जगन्नाथ जय जगन्नाथ राम श्रेयर निलय सी होती मंगल कल्याणर निलय मुनिगण काम दायी पद्मवासी प्रिय। लक्ष्मीकर सीतांकर सी होती प्रिय एवं जो माने जोगी मुनि जिए तांकर भक्त हेले तांकर से कामना परिपूरक। से प्रभु शेकंबु कटक राजा नाम जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकु समर्थ। से चारि वर्णरे जगन्नाथ ये चारि वर्णरे सते जेमिति धर्म अर्थ काम मुख्य को प्रदान करिवा पई से नीलाद्री मंडप रे बसिछन्। भरोसा करी आसंती दूरदेशु प्राणी आरत भंजन दिन बंधु नाम शुणी। दूरदेशरु प्राणी माने आसी पहुँचंती प्रभुंक पाखरे दैन्य निवेदन करिवा पई एवं तांको दैन्य को महाप्रभुंकु किए सुनैब जणुकु दायित्व दिया जाइछ से होचंती किए ना पक्षीराज गरुड़। गरुड़ पाखरे आमे गरुड़ स्तंभ को प्रथमे आलिंगन करी गरुड़ स्तंभ सन्निधान रु महाप्रभुंकर दर्शन करूछ एवं सेठी गरुड़ कानरे जिए कहिदेला निज दुख महाप्रभुंक पाखरे से दुख को पहुँचेवा काम गरुड़ तेणु गरुड़ भूमिका श्रीक्षेत्र अनन्य साधारण से गरुड़ स्तंभ सन्निधान बोली अनेक कवि रचन प्रकाश कर आउ सेई कथा को उपजीव्य करी जेतेबेले कवि सम्राट लेखनी हेछि तत्परा लेखनी हेछि धराश्राविणी से कौन लेखुचंती ना रसिक हारावलीर तृतीय छांदरे अति मनोज्ञ शैली चंदन यात्रार वर्णना जेतेबेले करुचंती सेथिरे लेखुचंती जेऊ क्षेत्रराज विराजमान गरुड़ ध्वजे श्रवणे चरित तुरित जन दुरित गंजे। संपूर्ण श्रीक्षेत्रर तत्व को चंदन यात्रार दृश्यावली भितर प्रस्तुत करी आम मानू अति अनुग्रहर अति भक्तिर जो अर्घ्य प्रदान करापी उपेन्द्र निकटने शत कृतज्ञता ज्ञापन कर आसतु शुणा जो क्षेत्रराज विराजमान गरुड़ ध्वजे। ये भाव संगीत को भक्ति रस में विजड़ित कर उपस्थापन करेंगे कंठशिल्पी रवींद्र महापात्र। जेउ क्षेत्र राजा विराजमान गरुड़ ध्वजे श्रवणे चरित तुरित जन दुरित गंजे जेवन कटके छटके बराटके मुखति महाप्रसाद रे सादरे लोक माने लभन्ति महाप्रसाद रे सादरे लोक माने लभन्ति महाप्रसाद रे सादरे लोक माने लभन्ति अलप कलप बटर जही छाया स्थित कलपी कलपी
नर कि नर तरिला मत बिना तु सातुरे चतुरे कुंड पतने जही काकर हेला कर चारी किस विचार कही काकर हेला कर चारी किस विचार कही काकर हेला कर चारी किस विचार कही दीन बांधव माधवर तही माधव मासे नृपति नंदन चंदन यात्रा देखे हर से ही उत्सव दरसने मन उच्छन्न रसे उपइंद्र भंज वीर बर ए रसे उपइंद्र भंज वीर बर ए रसे उपइंद्र भंज वीर घुमुसर छाड़ीबा परे भक्त कवि कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन के जीवन रे आसीछि अनेक परिवर्तन पारिवारिक दुख एवं अवसाद तारी भितरे महाप्रभुंक निकटरे अचला भक्ति को रखी काव्य साधना रे निमग्न रहिछंती एही कवि प्रतिभा किभलि थिला घुमुसर छाड़ीबा परे कविंकर जीवन डॉक्टर रथ मिलुथुबा तथ्य प्रमाण को आधार करी एक कथा आमे निर्णय करि परिबा जे उपेन्द्र भंज घुमुसर छाड़ा बेलूर बयस पखापाखि चबिश वर्ष चबिश वर्ष प्रथमा पत्नी चलीगले द्वितीय बार से नयागढ़ को जिते आसिले नयागढ़ हूँ मातुलालय मातुलालय को आसला परे पारिवारिक चापरे विशेषकर जेजे माँ चापरे से द्वितीय थर बह कले नयागढ़ राजजेमा को दुर्भाग्यर कथा कम दिन में देहांत है उपेन्द्र भंज जीवन रु सब सरसता चलीगला तापर तक जो मिली गोटे जौतुक स्वरूप जो मालीसाही ग्राम नयागढ़ टू खंडपड़ा गला बेलू नयागढ़ टू छः सात किलोमीटर गलापर गोटे बालुगाँ छक पड़े से भितर को मालीसाही से मालीसाही गोटे मंदिर थिला से मंदिर शिव मंदिर से शिव मंदिर से जाकि तपस्या कले साधना कले पूरा भग्न मनोरथ होती मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय ये स्थित से मालीसाही रे मालीसाही रहीकि से शिव मंदिर रे साधना कले एवं गतिश्वर महादेव सी गतिश्वर महादेव तांकु कहिले जने विधवा नयागढ़ राजजेमा सी बौद्ध रे विवाह करथिले से विधवा हो जाइथिले से जे कि सन्यासिनी भलिया से रहुथिले से कहिले जे ये होचंदी गतिश्वर महादेव यांको पाखरे तमे शरण पस से तुम जीवन रे गति देबे कारण तुम जीवन रे जहाँ घटी तुमको कथा कहीकि क्या उद्धार करें से तुमको जदि कहीं उद्धार करेंगे से महादेव प्रभु उद्धार करेंगे तेणु से शरण पशिले से किसी दिन तक साधना परामर्श से आउ टे दुई किलोमीटर दूर से गोटे ढेंकणा बोली गोटे ग्राम अच्छी से गोटे प्राचीन मठ अच्छी रघुनाथ मठ से मठटी हूँ रामानुज संप्रदायर मठ एवं कहुए जे से मठटी उपेन्द्र भंजन समय पूर्वर मठ से तेणु से जड़े महंत थे सी जा साक्षात कले से महंत कहले जे प्रभु रामचंद्र जीवन में मध्य दुर्दशा घटी तेणु तांकठू दुख किए अधिक भोगी तेणु तुम्हें शरणापन्न हो तांकर शरणापन्न हेले तुम दुख टिके लाभ लाघव हम से राम तारक मंत्र सिद्ध हेले एवं सिद्ध हेले सिद्ध हवापर कवित्वर स्फुरण है धीरे 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 टिके दुख अपनोदन है कारण आध्यात्मिक शक्ति जिते अधिक हम ये सांसारिक दुख से कमी आस तेणु सांसारिक दुख कष्टर उद्धार पाइबा एकमात्र अवलंबन प्रभुंकर कृपा तेणु से कृपा पाइला चित्त टिके टिके समाहित हला से टिके टिके स्थिर हेले तापर कविता रचना करने को जिते मनोनिवेश कले मनोनिवेश करी
ତାପରେ ସିଏ କବିତା ରଚନା କରି ନୟାଗଡ଼ ରାଜଦରବାରରୁ ବୀରବର ଉପାଧି ପାଇଲେ। ପାଖରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ରଣପୁର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଗଲେ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଧୀରେ 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 ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଥରେ ମୁହାଁଇବା ପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ରସାଳ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ଏବଂ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କବିତ୍ୱ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରଚନା ପାଠବ ଏସବୁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇକରି ଏ କାବ୍ୟଟିକୁ ଗୋଟେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ସେ କାବ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଛାନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଲୋକମୁଖରେ କଥା ଅଛି, ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଶରଦେ ବିରାଜି ଦିଶେ ଯଥା ଦର୍ପକ ଦର୍ପଣେ ଥିଲେ ମାଝି। ତେଣୁ ରାଜକୁମାର କୋଶଳେଶ୍ୱର ରାଜକୁମାର ସେ ଚିଠାଉ ଲେଖୁଛି ନିଜର ଇଏ ପ୍ରତି, ଏବଂ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନିଜର ମର୍ମମେଦନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାଙ୍ଗୀତିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ତୋଳି ଧରୁଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଦପଙ୍କ୍ତି ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଶରଦେ ବିରାଜିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଜି ଏ ଆସରର ଶିଳ୍ପୀବୃନ୍ଦ। ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଶରଦେ ବିରାଜି ଦିଶି ଯଥା ଦର୍ପକ ଦର୍ପଣେ ଥିଲେ ମାଝି ଚାହିଁ କୁମର କାତର ଲେଖି ଆରମ୍ଭିଲା ବସି ବିନୟ ପତର ଚାହିଁ କୁମର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଥାଉ ରାଜସୁତ ପ୍ରୀତି କୌଶଳକୁ ଚିତାଉ ଏବେ ମରୁଅଛି ଛୁରୀ ଦରିଦ୍ର ରତନ ପାଇ ହରାଇଲା ପରି ଏବେ ମରୁଅଛି ଛୁରୀ ଦରିଦ୍ର ରତନ ପାଇ ହରାଇଲା ପରି ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛି ଏ ହାତୀ ବୁଭେନି କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନି ପ୍ରୀତି ଅଭେଦତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର ପ୍ରୀତି ଅଭେଦତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ପୁରେ ପ୍ରବେଶୀ ବିଦେଶୀ ପ୍ରିୟା ପାଶେ ବସି ମନୋରମ ଚାଟୁ ପଟୁ ବଚନ ପ୍ରକାଶୀ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ବୀର ବର କାଳ ଉତ୍ସବ ତ୍ରିଭୁବନେ ସାର ଉପଇନ୍ଦ୍ର ବୀର ବର କହେ କାଳ ଉତ୍ସବ ତ୍ରିଭୁବନେ ସାର ଉପଇନ୍ଦ୍ର ବୀର ବର କହେ କାଳ ଉତ୍ସବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆମେ କହି ରଖିବୁ ଯେଉଁ ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କର ରଚନାକୁ ନେଇ ଏ ମାଟିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ରସର ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଲା ସେହି ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ରଚନାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ କିଛି ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନେବୁ ବିଦାୟ, ମାଗୁଛୁ ମେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତି ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।